गुड मॉर्निंग नर्सरी के बच्चों के मैथ्स की क्लास में मैं भी आप लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। अब तक 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को हमने कंप्लीट किया है। अभी मैं फिलहाल उसको कुछ दिन रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद आगे पढ़ाई होगी। नर्सरी के बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, किसी ने व्हाट्सएप नहीं किया, तो चलिए आगे मैं पढ़ाई करने से पहले पिछली बातों का रिवीजन कर देती हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो चलिए 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को लेकर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितनी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, आप कितनी बातें बता सकते हैं, वही मैं पढ़ाऊंगी। अभी सामने आप लोग देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्वेश्चन पहला है कि आपको 1 से लेकर 20 तक आप लिखिए। अगर आपने 20 तक काउंटिंग कंप्लीट किया है, मैंने आपको अगर बतलाया है, तो आप सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को आप लिखिए। तो चलिए सामने देखते हैं, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। 20। हमने 20 तक के नंबर्स को कंप्लीट किया है। 20 तक के नंबर्स को मैं लिखी हूँ। राइट काउंटिंग 1 टू 20 अगर कहा जाए तो आप 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे। देखिए सामने 20। तो हमने 20 तक के नंबर्स को कंप्लीट किया है। आपको सामने देखिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट है, एक ही नंबर है, और 10 से दो दो डिजिट है, ठीक है। जैसे 10 1 और 0 मिलकर 10 बने हैं, 11 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं, 11 11, 12 12 होते हैं, 1 और 2 13 13 होते हैं, 1 और 3 14 14 14 14 1 और 4 मिलने से 15 15 1 और 5 मिलने से 15 16 16 1 और 6 मिलने से 17 17 1 और 7 मिलने से 18 18 1 और 8 के मिलने से 18 19 1 9 19 1 और 9 के मिलने से एंड 20 20 2 और 0 मिलने से 20 होते हैं, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को कंप्लीट किया है। अब आपसे दूसरी बात ऐसे भी पूछी जा सकती है कि आपको कोई लिख दे और कहीं कहीं से नंबर को हटा दे, जैसे कि हमने इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया है, फिर इसको हटा दिया, कहीं कहीं से नंबर को हम मिटा देते हैं और आपको बोला जाए कि इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो आप 1 से लेकर 20 तक जानेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ये भी कोई पूछेगा तो आप इसको इजली बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो जैसे कि यहाँ का नंबर गायब है, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर, तो हम कैसे लिखेंगे, काउंटिंग हमें आता है, चलिए काउंट करेंगे। 1 के बाद क्या होता है 2, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, यहाँ 3 के बाद 4 होता है 4 लिख देंगे, यहाँ 4 5 के बाद फिर यहाँ 6 होता है 6 लिख देंगे, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ, 8 के बाद क्या होता है 9, यहाँ 9 लिख देंगे, फिर 10 10, 10 के बाद 11 11, तो यहाँ 11 11 लिख देंगे, 12 12, उसके बाद क्या लिख देंगे वहाँ, यहाँ 13 13, उसके बाद
पास 1414 है, 1515 है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर 1616 होगा, फिर 1717 है, इसके बाद क्या होगा 1818 होगा, 1999 20। तो 20 तक के नंबर्स में यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, चलिए बताइए इसको कंप्लीट कीजिए, तो आप ये भी बना सकते हैं। अब तीसरी बात आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अब आपको है कि फिगर बना दे कोई और उसको बोले कि काउंट करो कि ये कितने हैं और उसको लिखो, या ऐसे भी आपको कोई पेन दे दे, पेंसिल दे दे, नोटबुक दे दे और बोले कि चलो बताओ ये कितने हुए काउंट करो, तो आप काउंट कर देंगे, उसके बाद आपको बोले कि ठीक है उसको लिख के बताओ, तो आपको नंबर आते रहेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक है काउंट एंड राइट, मतलब काउंट करके आपको लिखना है कि ये नंबर कितने हैं, तो एक वो हुआ। उसके बाद और क्या है क्वेश्चन कि हाँ यही है, फिर सबसे फर्स्ट था हैंड मूव करना, आपको वो तो स्टार्ट के बच्चों के लिए है जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया है उनको दिया जाए कि चलो डॉट दिया हुआ है उसका पेंसिल प्रेस करो, सबसे फर्स्ट स्टेज ये हुआ। सेकंड स्टेज में आपको आपने काउंटिंग कंप्लीट किया, थर्ड स्टेज में आपने क्या किया कि आप नंबर्स जो गए उसको आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, आप कंप्लीट कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। उसके बाद है अब है काउंट एंड राइट को, अब आप काउंट करके आप राइट कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स को हम कैसे काउंट करके लिखते हैं, ठीक है। मैं फिगर नहीं बनाऊंगी, मैं 0 या फिर स्टार बनाती हूँ, आप उसको काउंट करके बताइएगा कि मैं लिखूंगी, आप लोग देखिए कि कैसे काउंट करके लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ मैं अभी काउंट करके राइट करना, राइट काउंट एंड राइट बताऊंगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये स्टार मैं बना रही हूँ ऐसे, इसको काउंट कीजिए, ये क्या हुआ इसके सामने लिखना है, कितने स्टार मैं बनाई हूँ 1, तो 1 कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो ये हो गया हमारा 1, ये 1 लिखा। चलिए उसके बाद फिर ये स्टार मैं बनाया है, इसको काउंट कीजिए 1 2 3, कितने हुए 3, हमने 3 लिखा। अब चलिए आगे, चलिए यहाँ आगे
चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं 6, यहाँ हमने 6 लिखा। अब आगे चलते हैं, चलिए काम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हुए 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब आगे चलते हैं, फिर ठीक है, काम कर।